गटर का ढक्कन डालने के लिए भी खासदार का निधि वापरना पड़ा। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्टरों को पैसा खाने के लिए और कमीशन खाने के लिए बनाया हुआ ढक्कन था। ये बार बार टूटता है इधर, लेकिन ये कभी बनता नहीं है। लेकिन अब ये फिर एक 15 दिन में यह फिर टूटेगा। एक ही काम के लिए चार चार बार निधि आती है, काम होता है। मतलब ये निधि लाने के लिए इधर का गटर दिखाओ, उधर का गटर दिखाओ। RMC डालोगे क्या, ग्रेड का माल डालोगे इधर? इधर कौन है जवाबदार आदमी? नाके का भिखारी आ रहा है, वो काम करा के ले रहा है। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी मुमरा के सम्राट नगर की, जहाँ पर गटर खुला हुआ था। एक नहीं दो दो गटर जो है खुले हुए थे और स्कूल के बच्चों का यहीं से आना जाना होता था, जो काफ़ी खतरनाक ये साबित होता है। लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि अब जो है आज इस गटर का काम जो है शुरू किया गया है। और यहाँ स्थानीय समाज सेवक जो हैं वो फिर बात करेंगे। मैं जो है क्या बताना चाहेंगे आप, ये काम जो है शुरू किया गया है? ये अभी जो काम कर रहे हैं ये तो समझो तात्पुरता काम दिख रहा है, ये कोई फिक्स काम नहीं है, ये इसका परफेक्ट इलाज नहीं है। लेकिन जो हो रहा है वो ठीक है, क्योंकि कल शायद न्यूज़ पे आ गया था गटर के बारे में और आज इसका काम भी हो रहा है। तो मैं मुमरा के सभी पत्रकारों को वो देता हूँ कि धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने काम बताया और ये काम जल्दी जल्दी हो गया। अब ये काम किसने करवाया मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ चैनल्स पे आया कि खासदार निधि से ये ढक्कन, पत्रे के ढक्कन डाले जा चुके। तो अब मुमरा का इतना विकास और ये जो करोड़ों का रोड वगैरह बन रहा है, उसके बाद अभी ये गटर का ढक्कन डालने के लिए भी खासदार का निधि वापरना पड़ा। तो इससे पहले जो नगर सेवक ने ये ढक्कन बनाया था, क्या उसने वो ढक्कन बनाते वक्त उसकी क्वालिटी का ख्याल नहीं किया था? ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्टरों को पैसा खाने के लिए और कमीशन खाने के लिए बनाया हुआ ढक्कन था। ये बार बार टूटता है इधर, लेकिन ये कभी बनता नहीं है। अब ये जो तरीके से बना रहे, इधर TMC का JEE खड़ा होना बनता था कि ये सही तरीके से लग रहा है नहीं लग रहा है। ये नहीं लग रहा है सही तरीके से। मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, मुझे पता है। लेकिन अब ये फिर एक 15 दिन में ये फिर टूटेगा। इसका इलाज ये है कि पूरा कलवट बनाना चाहिए। अब ये कलवट जो बना था पहले किसकी निधि में, वो माहिती निकालनी पड़ेगी। वो निधि में जो कलवट बना था वो काम बराबर हुआ नहीं है। अब ये और निधि आएगी, एक ही काम के लिए चार चार बार निधि आती है, काम होता है। आप ऊपर का रास्ता भी देखो, वो काम भी अभी वैसे ही हो रहा है जो पहले हुआ था गाँव देवी के पास। तो वो रास्ता अभी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। अब बारिश के बाद वो रास्ता रिपेयर करने के लिए खासदार की एक अलग निधि आएगी। मतलब ये निधि लाने के लिए इधर का गटर दिखाओ, उधर का गटर दिखाओ। मैं तो माननीय खासदार साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा। आज सुबह ही मैंने पेपर के ऊपर देखा है कि डोंबिवली में, तुकाराम नगर वगैरह में बहुत पानी भरा हुआ है, कल्याण डोंबिवली भी पानी भर रहा है। तो मुमरा के गटर जो है वो नगर सेवकों ने काम नहीं किया और वो कमीशन कमाने के लिए वापस खासदार का निधि वापर रहे। लेकिन डोंबिवली में भी पानी भरा हुआ है, थोड़ा वो वहाँ भी ध्यान दे, क्योंकि जब से ये सरकार पलटी हुई है तब से खासदार का बहुत सारा निधि सिर्फ मुमरा में वापरा जा रहा है। वो खासदार का निधि मुमरा में वापर रहे जो हिंदुत्व के लिए, जिन्होंने पूरी सरकार अलग बनाई हुई है। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आपका निधि सही जगह वापरा जा रहा है या नहीं जा रहा है वो भी देखो, और सभी के लिए ये काम करो। काम हुआ है, इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ पत्रकारों को शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इस चीज़ को उजागर किया, और जिसने ये काम खराब किया था उसने तुरंत आके दूसरे दिन ये काम कर दिया। लेकिन अभी भी आप बोल रहे हैं ये काम सही नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है ये काम, अभी सही नहीं है। खराब थोड़ा चलकर उधर बताएंगे? हाँ आओ ना, अभी देखिए आप देखेंगे कि ये जो रास्ता है ये डांबर का बना हुआ है, ठीक है। अब कोई भी पढ़ा लिखा जो भी इंजीनियर होता है, सिविल इंजीनियर, वो ये बता देगा कि डांबर और RCC का भी एक नहीं होता है। तो यह बाजू का पूरा पट्टा तोड़ के जहाँ तक RCC है वहाँ तक तोड़ के इसको पूरा कंक्रीट का माल डालो और ये माल डाल के करो। अभी ये लोग क्या करेंगे, तुम बोलो RMC डालने वाले हो? RMC डालोगे, क्या ग्रेड का माल डालोगे इधर? साहेब लोग को मालूम है, साहेब इधर खड़े नहीं है। ये आदमी ये भरेगा कौन, अभी ये भरेगा कौन? ये जो नाके के भिखारी होते हैं वो भरते हैं, और ये देखने के लिए इधर आदमी बहुत जरूरी है। बरसात में काम हो रहा है, इसका सीमेंट उड़ जाएगा, कंक्रीट के ऊपर पानी गिरेगा, ताजा कंक्रीट से सीमेंट बाहर निकल जाएगा, और परसों ये लादी भी बाहर निकल जाएगी। तो ये इस तरीके से काम होता नहीं है, ये वक्त निकालने के लिए काम कर रहे हैं, और एक हफ्ते के बाद फिर दूसरा बजट लाएंगे खासदार का। बारिश के पहले भी ये टूटा हुआ था, अभी जैसे आप बोल रहे हैं बारिश में रुकेगा नहीं, तो क्यों नहीं बारिश से पहले बना दिया गया होगा? शायद उस वक्त खासदार साहब की निधि आई नहीं होगी, उसके लिए बनाया नहीं होगा, तो अभी बना रहे। तो लेकिन बना रहे, काम अच्छा हो रहा है, लेकिन ये काम लोगों के सामने लाया गया है पत्रकारों ने, और ये पत्रकारों की वजह से हो रहा है, ताकि किसी का मामला खुले नहीं कि भाई ये काम पहले भी हुआ था लेकिन
काम का कोई मतलब नहीं है इसके अंदर। अभी इसके ऊपर जेई का खड़ा होना बहुत जरूरी था। बरसात में कंक्रीट का काम करेंगे क्या होएगा, वो तो जाना ही है। कोई बच्चा ही बता देगा कि सीमेंट बह जाएगा। इधर कौन है जवाबदार आदमी? नाके का भिखारी आ रहा है, वो काम करा के ले रहा है। तो खासदार मंजू भाई, आप तो एक समाज सेवक हो जी, और भी यहाँ के जो नगर सेवक है पैनल के, वो लोग यहाँ पे क्यों नहीं नजर आ रहे? शायद बारिश की वजह से नहीं आएंगे। बारिश तो सबके लिए है ना, आपके लिए भी बात। जिसको सेवा करनी है लोगों की वो यहाँ आएगा। दूसरा आदमी क्यों नहीं आया वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर काम हो रहा है तो जो अभी काम कर रहा है मैं उसका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि वो काम हो रहा है। लेकिन ये काम वही आदमी कर रहा है जिसने ये काम पहले किया था और काम खराब हो गया था। सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे काम मत करो और लोगों के पैसे की वाट मत लगाओ। एक ही बार अच्छा काम करो, बार बार ये खोदने के धंधे बंद करो। तो आपने सुना कि जो यहाँ पर समाज सेवक हैं महेंद्र नाइक, उनका कहना है कि काम हालांकि खबर दिखाने के बाद शुरू किया गया और जो है यहाँ पर काम जो है किया जा रहा है, लेकिन इनका ऐसा कहना है कि इसे बारिश के पहले बना दिया जाना चाहिए था तो बहुत बेहतर होता, लेकिन अब जिस तरह से ये बनाया जा रहा है ये ज़्यादा दिन रुकेगा नहीं, ऐसा इनका कहना है। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर जिस तरह से ये खतरा बना हुआ था, कहीं ना कहीं अब ये बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो है इससे थोड़ी बहुत जो है राहत मिलेगी।